भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया है और बैंक से सिर्फ 50,000 रुपये ही तक ही निकाल सकते हैं ग्राहक। आज बैंकों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जो इस बैंक के उपभोक्ता हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन है, सिस्टम ख़राब है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, सीनियर सिटीजन परेशान हैं और उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। 50,000 से ज़्यादा पैसा नहीं मिलना उपभोक्ताओं के अंदर उनकी चिंता को बढ़ा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बैंक को आप जो मर्जी कार्रवाई करें, लेकिन उपभोक्ताओं का पैसा जो ग्राहक बैंक हैं उनका नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी नोटबंदी के कारण लोग देश के काफ़ी परेशान होकर कईयों की मौत हो चुकी थी। ऐसी घटना फिर से ना हो और बैंक के अंदर यस बैंक खासकर जिसमें लोगों का पैसा है वो सुरक्षित रहना चाहिए, यह मांग लोग सरकार से कर रहे हैं। आज बैंकों के अंदर यस बैंक के बाहर भारी भीड़ उपभोक्ताओं की लगी और परेशान हैं कि पैसा पूरा कैसे निकलेगा, कैसे सुरक्षित होगा, उनको ये चिंता सता रही है। परेशानी ही परेशानी है, एकदम से न्यूज आ गई तो हम तो परेशान हो गए भी। सारा पैसा मेरा, बहुत सारा पैसा है, अब पता नहीं चैनल को बताना चाहिए कि नहीं मेरी कितनी FDs हैं। तो हमारे सारे रिटायरल बेनिफिट्स जो हैं हमने यहाँ जमा करवा रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि इसमें 1% ब्याज दूसरे बैंकों से ज़्यादा मिलता है, तो हमें उसकी ये सजा अब मिल रही है कि हम अपने ही पैसे निकलवा नहीं पा रहे, लाइन में खड़े हैं सुबह से। और रात को लोगों जो जिनको पता पहले लग गया उन्होंने तो 1-1 लाख रुपया निकलवा लिया। जब तक हम बारिश में भीगते भिगाते आए तो पता चला भाई इसमें पैसे काम है, कईयों ने तो 1-1 लाख लाइन में हिले ही नहीं है, 1-1 लाख निकलवा लिया। और दूसरे जो थे हम जैसों ने और 10-20 हजार निकला, और अब जो लाइन में खड़े हो के वो भी उसमें से काट लिए, कहते सिर्फ 50,000 ही कल से आप ले सकते हो। उससे बात करी और सीनियर सिटीजन को इतनी देर वेट करवाना पड़ा, बीच में दूसरे लड़के खड़े हुए हैं नॉन मतलब सीनियर्स, तो हमने जब इनको कहा भी कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास, आप इसका इंतजाम तो करो, एटलीस्ट सीनियर सिटीजन तो खड़े हो गए अपनी लाइन में तो खड़े हुए, पर कोई नहीं सुना। वो जो आगे लड़के खड़े हुए थे 10 से मस नहीं हुए, उनको कोई हटा ही नहीं पाया। मैडम इतनी परेशानी है, जब तक हमें ये नहीं पता लगता भी हमारा पैसा सेफ है तो कैसे कोई भी कस्टमर कैसे विश्वास करे, कुछ नहीं दिया बिल्कुल है। वो क्या रात को जब सारा फ्री, अभी अभी मेरे बेटे का दिल्ली से फोन आया, उसने बताया कि सीतारमन ने कोई बयान दिया है, तो मैंने अभी तक उसको मेजे फॉरवर्ड हुआ है, मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है कई क्या कह रहे हैं। तो अभी तक तो सारी जनता, मेरे सभी साथी, मेरे सभी हमने जिनसे भी बात करी है, एवरीबॉडी इज मच मच वरिड जब तक ये कोई फैसला नहीं होगा। और हम अथॉरिटीज और सरकार से कहते हैं भी कम से कम आप जो भी करो तो कस्टमर का पैसा सेफ रहना चाहिए, इतना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कोई हार्ट अटैक से मर जाए और किसी को कुछ और हो जाए। कहते जी सिस्टम नहीं चल रहा है, असी की करिए जी, दसो साड़ी इन पेमेंटा अगे पार्टियां नू देनी होंगी जी, सेविंग पईया जी, पर नहीं कितना कितना तुहानू परेशानी सामना आ रहा है, की कर रहे हो? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना जी, सवेर के लाइन च लगे हुए हैं, हूँ तक 1 रुपया भी नहीं गया सर। कैमरामैन बालसन गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।